हेलो स्टूडेंट्स, आज के इंडियन ज्योग्राफी के इस लेक्चर के अंदर अपन एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण जो सिविल सर्विस के हिसाब से भी और नेट के हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण का विस्तार से अध्ययन करेंगे। थॉर्नवेट जो है वो बेसिकली इज ए क्लाइमेटोलॉजिस्ट, अमेरिकन ज्योग्राफर एंड ए क्लाइमेटोलॉजिस्ट, एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर ड्राइविंग ए क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम इन 1948। और 1948 के अंदर जो इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया वो आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो इनका जलवायु वर्गीकरण है वो उसका मेन आधार जो है उन्होंने वर्षा का वितरण और वनस्पति के वितरण को ध्यान में रखकर किया है। जो थॉर्नवेट की स्कीम है ये मूलतः जो है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर बैलेंस। एक एक एलिमेंट का अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। इफ द रेनफॉल ऑफ ए प्लेस इज लेस देन द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, द प्लेस हैज ए वाटर डेफिसिट। इफ इट इज मोर देन द नीड देन देयर इज अ सरप्लस। ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा इनका कि अगर वर्षा की मात्रा जो है वो वाष्पीकरण और जो बहता है उससे अधिक है या उससे कम है तो वाटर बजट के अंदर ही आएगा। और इस आधार पर थॉर्नवेट ने एक फॉर्मूला ईजाद किया जो माह की प्रति माह की मंथली वैल्यूज ऑफ द वाटर सरप्लस एंड द वाटर डेफिसिट, उसके आधार पर जो है एक सूत्र बनाया और सूत्र के आधार पर जो है वो वर्गीकरण का निर्धारण किया। और जैसे एरियाज हैविंग वाटर सरप्लस इन ऑल द मंथ, वर्ष के सभी माह के अंदर अगर पानी सरप्लस रहता है, अधिक रहता है आवश्यकता के अनुरूप और इवेपोरेशन के बाद, तो वहाँ की जलवायु जो है वो ह्यूमिड होगी, आर्द्र होगी। एंड द एरियाज हैविंग वाटर डेफिसिट इन ऑल द मंथ ऑफ द ईयर हैव एन एरिड क्लाइमेट, अगर पूरे वर्ष भर जो है कमी रहेगी तो वहाँ की जलवायु जो है शुष्क रहेगी। और इन दो एलिमेंट के मध्य में दो एक्सट्रीम एलिमेंट है, एक में सरप्लस ऑफ वाटर है, एक में डेफिसिट ऑफ द वाटर है। इसी के अंदर जो है वो जलवायु के प्रदेशों का विभाजन किया है और ये आधार जो है वो डिग्री ऑफ वाटर सरप्लस और डेफिसिट महत्वपूर्ण है। इनके जो क्लासिफिकेशन है उसमें स्टूडेंट दो एस्पेक्ट आएंगे और ये मैचिंग द क्वेश्चंस, मैच जो करने का क्वेश्चन बनेगा नेट के अंदर या सिविल सर्विस के अंदर उसके अंदर बनेगा पी या पी इंडेक्स एंड टी या टी इंडेक्स। ये दो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं जो थॉर्नवेट के क्लासिफिकेशन के लिए में आते हैं। जो पहला है दैट इज वर्षण प्रभाविता, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, रेनफॉल माइनस वाष्पीकरण इवेपोरेशन दैट इज अ पी रेशियो। जब पी रेशियो द सम ऑफ द 12 मंथ पी रेशियो इज कॉल्ड द पी इंडेक्स। मैंने अभी क्या था कि पी 12 महीनों का हर महीने का निकालेंगे पी रेशियो और जब इसका टोटल करेंगे दैट विल बिकम द पी इंडेक्स ऑफ दैट एरिया। और इस पी इंडेक्स के आधार पर जो है थॉर्नवेट रिकनाइज 5 ह्यूमिडली प्रोविंसेस ईच ऑफ विच अपीयर्स टू बी एसोसिएट विद द करेक्टरिस्टिक्स वेजिटेशन। वही मैंने कहा था कि वर्षा का सीधा वनस्पति से संबंध है इसका। और जो थॉर्नवेट ने जो 5 मुख्य क्लासिफिकेशन किए दैट इज कैपिटल ए वेट, वर्षा की मात्रा बहुत अधिक है, वनस्पति, घने जंगल रेन फॉरेस्ट जो है, एंड द पी इंडेक्स इज 128 एंड अबव। तो दूसरा वर्गीकरण जो किया दैट इज द बी कैपिटल बी ह्यूमिड आर्द्र फॉरेस्ट, द पी इंडेक्स इज 64 to 127, सी इज द सब ह्यूमिड कम आर्द्र है, ग्रासलैंड्स घास के मैदानों का निर्माण की उत्पत्ति, एंड द पी इंडेक्स इज 32 to 63, डी सेमी आरिड स्टेपी जलवायु, एंड द पी इंडेक्स इज 16 to 31, एंड लास्ट है ई द एरिड द डेजर्ट अंडर 16, द पी इंडेक्स इज अंडर 16। इन 5 जो मुख्य डिविजन्स किए थॉर्नवेट ने, फिर सब डिविजन्स किए
The five principal humidity premises are subdivided into four subtypes based upon the seasonal concentration of precipitation. ऋतुओं के आधार पर जो वर्षा का वितरण है, जो मात्रा है, उसके आधार पर इनका फिर चार वर्गों में सब डिविजन्स की आर कैप स्मॉल आर स्मॉल आर स्टैंड्स फॉर रेनफॉल एडिक्वेट इन ऑल सीजन्स, पूरे वर्ष भर सभी ऋतुओं में वर्षा का वितरण समान है. स्मॉल एस रेनफॉल डेफिसिट इन समर, ग्रीष्म ऋतु में कम रहे. डब्लू स्मॉल डब्लू रेनफॉल डेफिसिट इन विंटर, शीत ऋतु में कम रहे. डी रेनफॉल डेफिसिट इन ऑल सीजन्स, सभी ऋतुओं में वर्षा की मात्रा कम रहे. ये इनका मेन अध्ययन था. दूसरा जो मैंने अभी डिस्कस किया था दैट इज अ पी, उसके बाद दूसरा एलिमेंट है टी, थर्मल एफिशिएंसी, तापीय दक्षता कहलाएगा ये. इन दो एलिमेंट के आधार पर जो है विश्व की जलवायु का प्रदेशों का विभाजन किया और भारत की जलवायु का प्रदेश का विभाजन किया है थॉर्नबर्ग ने. तो व्हाट इज थर्मल एफिशिएंसी पी, ये टी क्या है, तापीय दक्षता. जलवायु वर्गीकरण में तापीय दक्षता का विशेष महत्व है. तापीय दक्षता ज्ञात करने के लिए औसत मासिक तापमान, वहाँ रेनफॉल थी, को मासिक वाष्पीकरण से विभाजित किया जाता है, इवोपरेशन से डिवाइड करते हैं किया जाता है. और तापीय दक्षता का जो सूत्र है टी ई टी ऑब्लिक ई सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है. इस सूत्र को इस प्रकार से भी हल किया है, टी ई रेशियो का एंड टी ई द फॉर्मूला. तापीय दक्षता के आधार पर जो है वो थॉर्नबर्ग ने जो छः डिविजन्स की, और छः डिविजन्स में कैपिटल ए ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय, द टी इंडेक्स इज 120 एन एन ओ, कैपिटल बी जो थर्मोथर्मल मेसोथर्मल मध्य तापीय 64 to 127, कैपिटल सी माइक्रोथर्मल 32 to 63, कैपिटल डी टेंगा 16 to 31, ई टुंड्रा 1 to 15, एंड द एफ द फ्रॉस्ट हिमाच्छादित 0. इन दोनों पी और टी के आधार पर जो है वो ये ऊपर आपने अभी पढ़ा था. पी का के आधार का डिविजन्स पांच जो मुख्य डिविजन्स हैं ए बी सी डी एन डी ई. टोटल जो इस दोनों के आधार पर पी इंडेक्स और टी के आधार पर जो है कॉपेन ने जो है संपूर्ण विश्व को 120 टोटल जो कॉम्बिनेशन बने से आधार बने, और कुल मिला के जो 32 क्लाइमेटिक डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो मैप पे प्रदर्शित किए. भारत के संदर्भ में जो है आउट ऑफ दीज जो 32 12 क्लाइमेटिक टाइप्स आर फाउंड इन इंडिया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है. इन 12 टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक डिविजन्स में थॉर्नबर्ग का जो पहला डिवीजन आता है दैट इज द फर्स्ट डिवीजन ए ए आर इज ए ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट इन विच द पी ई एज वेल एज अ टी ई इंडेक्स. दोनों का अपन ने डिस्क्राइब कर लिया, व्हाट इज अ पी ई इंडेक्स एंड व्हाट इज अ टी ई इंडेक्स, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन इज अबव 128. रेनफॉल अकर्स इन ऑल द सीजन्स, सभी ऋतुओं में वर्षा की मात्रा मिलेगी इस रीजन के अंदर. एंड डेंस फॉरेस्ट, जब दोनों चीज़ें याद होंगी, तापमान भी और वर्षा भी याद होगी, और तक जंगल जो वनस्पति अत्यधिक देखने को मिलेगी, घने जंगल रेन फॉरेस्ट होंगे. दिस क्लाइमेट इज फाउंड अलोंग द वेस्ट कोस्ट एंड द त्रिपुरा एंड द मिजोरम एरिया. ने पहले डिवीजन किया है पश्चिमी तट पर, वर्षा की मात्रा अधिक होती है. वो अपन ने क्या था कि अरब की शाखा जो है मानसून की शाखा जो है वो सहाद्री से टकराती है, एंड नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है वो अपने डिस्कस किया कि यहाँ वर्षा क्यों होती है, त्रिपुरा एंड मिजोरम वाला क्षेत्र है. दूसरा डिवीजन है बी ए डब्ल्यू इज अ ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट इन विच थिक फॉरेस्ट ग्रो. टी ई रेशियो इज अबव 128 एंड द पी ई रेशियो इज 64 to 127. द रेनफॉल इज डेफिशियंट इन विंटर, कम होती आ रही वर्षा, तापमान बढ़ता रहेगा. दिस क्लाइमेट इज फाउंड इन द ईस्टर्न स्लॉप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड इन वेस्ट बंगाल. वेस्टर्न घाट्स का अपन ने डिस्क्राइब किया था स्टूडेंट्स, दैट इज द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न रेन शेडो रीजन बनता है ये, दैट इज द ईस्टर्न घाट्स का. The third division is the BBW is a temperate humid climate which is mainly found in parts of Assam, Meghalaya, Mizoram and Nagaland. PE index and the TE index
वेरी फ्रॉम 64 to 127। आसाम में भी अपन ने डिवीजन किया था स्टूडेंट, रेनफॉल के अंदर आसाम के जो है में भी एक रेन शेडो रीजन बनता है वहाँ पर पहाड़ियों के उस तरफ। द रेनफॉल इज डेफिशिएंट इन विंटर, सच ए क्लाइमेट इज यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। द चौथा डिवीजन जो थॉर्नवेट ने किया, दैट इज CAW, कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। द TE इंडेक्स इज 128 एंड अबव, बट द PE इंडेक्स फॉल्स टू 32 to 63। बींग ए कंपेरेटिवली ड्राई क्लाइमेट, रेनफॉल कम हो रही है इस डिवीजन के अंदर। इट इज सुटेबल फॉर ग्रास लैंड, जब रेनफॉल कम होगी तो घास के मैदानों के लिए उपयुक्त परिस्थिति बनती है। अब पांचवा डिवीजन जो आता है, दैट फिफ्थ डिवीजन है CAW, इज सिमिलर टू ऊपर वाला, कॉमा दो लगे हुए हैं, CAW, विद द ओनली डिफरेंस दैट द रेनफॉल अकर्स इन विंटर। मोस्ट ऑफ द तमिलनाडु एंड द नाइबरिंग पार्ट्स ऑफ द आंध्र प्रदेश एंजॉइंग दिस क्लाइमेट। स्टूडेंट्स अपन ने मानसून में किया था कि रिटेटिंग मानसून में तमिलनाडु के तट पर अभी अक्टूबर नवंबर में वर्षा होगी, दिस इज द इफेक्ट ऑफ दैट एक्टिविटी। छठा है CBW, एज अ टेम्परेट सब ह्यूमिड क्लाइमेट विच कवर्स मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। द टी ई इंडेक्स इज 64 to 127 एंड द पी ई इंडेक्स इज स्टिल लोअर, रेंजिंग बिटवीन 30 to 63। अगेन द वर्षा की मात्रा कम है तो दिस क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर ग्रासलैंड्स, पहले अपन ने देखा है। द सेवंथ डिवीजन इज DAW, इज अ ट्रॉपिकल सेमी एरिड क्लाइमेट विच इज मेनली फाउंड इन द नदन गुजरात एंड द साउथ राजस्थान। द टी इंडेक्स इज 128 और अबव, वाइल द पी ई इंडेक्स इज 16 to 31। दिस क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर स्टेपी टाइप वेजिटेशन। द एट्थ डिविजन जो थॉर्नवेट ने किया, दैट इज DBD, इज टेम्परेट सेमी एरिड क्लाइमेट इन विच रेनफॉल इज डेफिशियंट इन ऑल द सीजन्स। द टी इंडेक्स इज 64 to 127, टेम्परेचर काफ़ी हाई है। द पी ए इंडेक्स इज 16 to 31, काफ़ी लो, वर्षा की मात्रा काफ़ी कम है। दिस क्लाइमेट इज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड सुटेबल फॉर स्टेपी वेजिटेशन। नाइन्थ इज DBW इज सिमिलर टू DBD ऊपर वाले से क्लाइमेट, विद द ओनली डिफरेंस इज दैट द रेनफॉल इज डेफिशिएंट इन विंटर पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, एज वेल एज सम पार्ट्स ऑफ रेन शेडो एरियाज इन द पेनिनसुलर इंडिया एक्सपीरियंस दिस क्लाइमेट। द टेंथ डिवीजन इज डी डी इज ए टेंगा टाइप क्लाइमेट इन विच द टी इंडेक्स इज 16 to 31, टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया। इट इज फाउंड इन जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पंजाब उत्तराखंड इन द वेस्ट एंड द अरुणाचल प्रदेश सिक्किम एंड द पार्ट्स ऑफ द अपर आसाम इन द ईस्ट। थॉर्नवेट का जो 11th डिवीजन है, दैट इज अ ई ई इज ए कोल्ड टुंड्रा टाइप क्लाइमेट विच इज फाउंड इन द हायर रीचेज ऑफ द हिमालयाज, लद्दाख से ऊपर का क्षेत्र। द लास्ट डिवीजन जो 12th जो थॉर्नवेट ने दिया, दैट इज EAD, इज एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट इन विच द टी ई इंडेक्स इज ओवर 128, द टेम्परेचर इज वेरी हाई, इवोपरेशन इज मैक्सिमम एंड पी इंडेक्स इज वेरी लो, रेनफॉल का जो इंडेक्स है वो काफ़ी काफ़ी कम है, इंडेक्स रिमेन बिलो 16, रेनफॉल इज डेफिशिएंट थ्रू आउट द ईयर, वर्षा वर्ष पर काफ़ी कम रहती है और तापमान भी अधिक होने से जो होती है उसमें वाष्पीकरण अधिक होगा। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, दैट इज अ डेजर्ट एरिया। थैंक यू।